प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे कई जिलों का दौरा। बाराबंकी और सीतापुर का करेंगे दौरा। सीएम देंगे अलग अलग जिलों को सौगात। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा आज। कप्तान सिंह महाविद्यालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पंजाब कांग्रेस में तेज हुई सियासी उठापटक। पंजाब में कुछ और मंत्री छोड़ सकते हैं कुर्सी। सीएम चन्नी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। आम आदमी पार्टी का पंजाब दौरा आज। व्यापारियों और उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। चुनावों को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर से चुनाव में जीत के लिए तमाम कोशिश कर रही है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर का तूफानी दौरा कर रहे हैं। सीएम अलग अलग जिलों में जाकर कई परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम आज यूपी के दो जिलों का दौरा करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी इन दिनों जिलों के लोगों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी सबसे पहले बाराबंकी का दौरा करेंगे, जिसके बाद बाराबंकी के रामनगर और कुर्सी विधानसभा में 148 करोड़ से ज्यादा की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 340 करोड़ की खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद इकाई का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र भी बांटेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी एक जनसभा का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों का दौरा इन दिनों करते हुए नजर आ रहे हैं। तूफानी दौरे ये सीएम योगी के समय चल रहे हैं। आज भी दो जिलों का दौरा करने वाले हैं। बाराबंकी और सीतापुर का सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और कई करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात वो जनता को आज देने वाले हैं। तो बता दें, महज 3 से 4 महीने का वक्त बचा है यूपी विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर पूरी तरह से बीजेपी एक्टिव हो चुकी है और मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। तूफानी दौरे का दौर ये मुख्यमंत्री का चल रहा है, जिसके तहत आज दो जिलों का दौरा करने वाले हैं सीतापुर और बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनता को कई सौगात भी वो देने वाले हैं। बता दें, सबसे पहले वो बाराबंकी पहुंचेंगे, जिसके बाद वो वहां के कार्यक्रम में मौजूद होंगे, कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। उसके बाद वो वहां से निकलकर सीतापुर का आज ही दौरा करने वाले हैं। तो ऐसे में सीएम योगी के दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो बाराबंकी में हो या फिर सीतापुर में हो, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, बड़े बड़े अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। निरीक्षण बार बार जगह का किया जा रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने वाला है। जनसभा को भी आज मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं, साथ ही कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात वो जनता को देने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी और सीतापुर का दौरा है और बता दें आपको, कई परियोजनाओं की सौगात वो जनता को देने वाले हैं। पहले वो बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे, जिसके बाद वहां पे कार्यक्रम पूरे करने के बाद वो सीतापुर के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें, दोनों ही जगहों पर वो कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जनता को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रही हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी छिबरामऊ स्थित कप्तान सिंह महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही अखिलेश यादव पूर्व एमएलए कप्तान सिंह महाविद्यालय में मूर्ति की स्थापना और मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो ऐसे में आज
अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर रहेंगे। कन्नौज पहुंचेंगे जहां पर पूर्व एमएलए कप्तान सिंह के उस प्रतिमा पर अनावरण भी करेंगे और सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, साथ ही कप्तान सिंह महाविद्यालय का वो वहां पर पहुंचेंगे, वहीं पर मूर्ति का अनावरण करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें अखिलेश यादव छिवरा मऊ स्थित कप्तान सिंह महाविद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव एमएलए कप्तान सिंह महाविद्यालय में मूर्ति की स्थापना और मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं, साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो आज अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव करने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? चलिए शायद रूबी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है जहां पर वो पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनता को संबोधित भी अखिलेश यादव करेंगे। तो बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं और ऐसे में सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव भी कन्नौज पहुंच रहे हैं एक दिवसीय दौरे के लिए और ऐसे में पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण वो करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित वो वहां पर करने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? दीपारुल बोलिए। रूबी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ पारुल, सवाल दोहराइए अपना। रूबी, जिस तरह से आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ उनके कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां हैं? पारुल देखिए, 2 बजे के करीब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचेंगे और इनका जो कार्यक्रम है वो पूर्व एमएलए थे कप्तान सिंह उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके साथ ही साथ वहां के जो महाविद्यालय है वहां की मूर्ति का भी स्थापना करेंगे और साथ में जो लोग रहेंगे उसमें उनकी वाइफ डिंपल यादव, नरेश उत्तम पटेल भी रहेंगे साथ ही साथ। और एक जगह उनका और भी प्रोग्राम रखा गया है, वो छिबरा मऊ स्थित एक कप्तान सिंह महाविद्यालय है उसमें भी उनका प्रोग्राम रखा गया है, साथ में वहां पे पहुंचेंगे और इसके साथ ही साथ वहां के जितने भी कन्नौज के इनके कार्यकर्ता होंगे अखिलेश यादव उनके साथ एक बैठक करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुछ भी कहा जा सकता है पारुल, समय के दरमियान जो भी प्रोग्राम रखे गए हैं उसमें अखिलेश यादव ने खासतौर से जो जनसभा है और जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा है कार्यक्रम उसको ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया है और उसके साथ ही साथ लगभग जो समय दिया गया है बैठक का वो तकरीबन 1 घंटे का है और जनसभा जो है उनकी तैयारियां हो चुकी है और थोड़े 2 बजे के अंदर उनके प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव में महज 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, इसीलिए ये ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो या प्रियंका गांधी क्यों ना हो, हर पार्टी हर नेता अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए बार बार जगह जगह का अलग अलग जिलों का दौरा किया जा रहा है। खुद आज मुख्यमंत्री 2 जिलों का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल पारुल, सही कहा आपने, क्योंकि देखा जाए तो खास तौर से प्रियंका गांधी लखनऊ में 2 दिन के प्रोग्राम के लिए आई थी लेकिन आज 3रा दिन है उनका और आज फिर एक बार बैठक कर रही है। वहीं अगर योगी सरकार की बात करें, यानी सीएम है योगी, वो भी आज बाराबंकी का उनका दौरा है। अब अगर हम सपा की बात करते हैं तो सपा में भी अखिलेश यादव ताबड़तोड़ अपनी जनसभाओं के प्रोग्राम जो है वो लगातार अब शुरुआत कर चुके हैं, तो कहा यह जा सकता है कि
समय की अवधि की होने के वजह से कम और उसके बाद लोगों के साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना और संगठन को मजबूत करने का बहाना होता है, जनसभा हो या कार्यक्रम हो, इन सब के मार्फत वो अपनी बातों को रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है पारुल कि अगर समय कम हो और लोगों को ज्यादा संबोधित करना हो तो ऐसे प्रोग्राम एक माध्यम होते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। जी चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पर वो पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात वो करने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस में हलचल जोरों पर है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पटियाला में उनके घर पर देर रात तक हलचल रही। सिद्धू के घर पर एक बैठक हुई जिसमें कैबिनेट मंत्री परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा समेत कई विधायक वहां पर मौजूद रहे। बैठक के बाद विधायकों ने यही कहा कि जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, यानी मामला सुलझने के बजाय और उलझा दिखाई दे रहा है। इस बीच पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। चन्नी कैबिनेट की मीटिंग पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन पंजाब में जारी इस्तीफे और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चन्नी ने आज ही बैठक बुलाई है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी और इस मामले में पार्टी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी। सिद्धू के इस्तीफे के बाद से ही पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री और सिद्धू की करीबी रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया है। दो और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के दो महासचिव गौतम सेठ और योगेंद्र ढिंगरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही गुलजार इंदर चहल ने भी पंजाब कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में सिद्धू के घर पर बैठक में शामिल होने वालों में रजिया सुल्ताना भी शामिल थी। उन्होंने सिद्धू को उसूलों वाला आदमी बताया और कहा कि वो पंजाब के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब पंजाब में ये जो पूरा घमासान चल रहा है वो कहां जाकर शांत होगा और कितना बड़ा बदलाव पंजाब कांग्रेस में होने वाला है ये वक्त ही बताएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये दौरा लुधियाना से शुरू होगा और इस दौरान सीएम केजरीवाल चुनावों के मद्देनजर कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में दोपहर 3 बजे व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। बता दें 30 सितंबर यानी कि कल सीएम केजरीवाल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल इस दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि बता दें इससे पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी की घोषणा भी कर चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि ये केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन के वादे नहीं। जैसे ही आप सरकार बनेगी हम मुफ्त बिजली सुनिश्चित करेंगे और घरेलू आपूर्ति श्रेणी के उपभोक्ताओं के लंबित बिलों को बट्टे खाते में डाल देंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि 300 यूनिट तक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली का वादा है। आप प्रमुख ने कहा था कि अगर बिजली की खपत 300 यूनिट से ज्यादा है तो उन्हें बिल का भुगतान करना होगा। बस्सी में एक बार फिर से दलितों को अपमानित करने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचायत के दबंगों ने प्रेम प्रसंग में पकड़े गए नाबालिग दलित बच्चों का विवाह कराकर दोनों बच्चों के मुंह पर कालिक लगाकर और चप्पलों की माला पहनाकर गांव से उन्हें निकाल दिया। पहले तो पंचायत के दबंगों ने बच्चों के मुंह पर कालिक लगाया और उसके बाद दोनों बच्चों के गले में चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। वहीं किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं ये मामला सीओ हरैया शेष मणि उपाध्याय के संज्ञान में आते ही उन्होंने दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर नाबालिग बच्चों के मुंह पर कालिक पोत कर चप्पलों की माला पहनाकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया गया। हालांकि प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसके बाद दबंगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बस्ती से हमारे संवाददाता अमृत लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, जिस तरह से नाबालिग बच्चों के साथ यह हरकत की गई है, कालिक उनके मुंह पर पोती गई है और उन्हें चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया, क्या अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हुई है? जी, बस्ती जिले में ये गौर थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ दलित परिवार, दलित लड़की, उसी जात के एक लड़का जो कि आपत्तिजनक स्थिति में गांव वालों ने देख लिया था, जिसके बाद गांव वाले पूरी पंचायत गांव में बैठा के किए और यह निर्णय पंचायत द्वारा लिया गया कि काली पोत कर इसको गांव में पूरा घुमाया जाए। बिल्कुल अमृत, और परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, और अभी तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्या दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि निर्देश तो दे दिए गए हैं लेकिन अब तक कार्रवाई की गई है क्या? जी, बस्ती गौ थाना पुलिस इस संबंध में सीओ द्वारा यह बताया गया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी तभी दी जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव के दबंगों द्वारा पूरी तरह इन जो नाबालिग लड़का भी है, नाबालिग लड़की भी है, उसको पूरे गांव में घुमाया गया, जूता और कालिक पहनाकर, चेहरे पे कालिक पोत कर पूरे गांव में। लेकिन दबंगों के आगे गांव वालों की किसी का न चली, सिर्फ लोग तमाशा देखते रहे। बिल्कुल अमृत, इसी तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं यूपी के कई जिलों से। लेकिन देखिए, एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की नीति की सरकार बात करती है, शासन की तरफ से कहा जाता है कि दबंगों की खैर नहीं होगा, अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी दबंगों के इस कदर हौसले बुलंद होते हैं कि वो इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। जी, आप एकदम पूरी तरह सही कह रही हैं। जहां प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है अपराधियों के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की चूक मानी जाएगी। जब ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब पुलिस जाके हरकत में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये जानकारी थी गांव वालों के माध्यम से, जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को जानकारी दी गई, यानी पुलिस को जानकारी थी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब वीडियो और फोटोज वायरल हुए, जब दबाव बना तब कार्रवाई की बात की गई। जी, जब दबाव, मीडिया ने दबाव बनाया कि इस पे बयान दिया जाए, इस पे क्या कार्रवाई की गई, तब उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आनंद आनंद में मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों की गिरफ्तारी की इस घटना के बाद। चलिए अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर दो नाबालिग बच्चों के साथ दबंगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, और दबंगों ने गले में दोनों ही बच्चों को चप्पल की माला पहनाई, मुंह पर काले पोती और उसके बाद पूरे गाँव में घुमाया, जिसके बाद ये वीडियो और फोटोज भी अब सोशल मीडिया पर इनकी काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, मामले का ज्ञान पुलिस प्रशासन को था, लेकिन जब वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद जाकर पुलिस ने कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना घर घर शौचालय के साथ साथ हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना रहा है, जिसमें ये योजना सफल रही। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सभी गांव में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और अब उसको समूह की महिलाओं के जरिए संचालित कराया जा रहा है, जिससे उनको एक रोजगार का जरिया भी मिल रहा है। इस मामले की जमीनी हकीकत की जानकारी के लिए हमारे अमेठी संवाददाता ने भेटुआ ब्लॉक के कडेर गांव में सामुदायिक शौचालय की स्थिति का जायजा लिया तो वहां सामुदायिक शौचालय नियमित रूप से चलता दिखा। वहीं जब उस गांव की महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले हम शौच के लिए ठंडी गर्मी बरसात चाहे दिन हो या दोपहर हो और ऐसे में बाहर खेतों में ही और बागों में ही जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे गाँव में सामुदायिक शौचालय बनने से हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। ये शौचालय बना है, क्या अब हैंड ओवर हो गया है ग्रामीणों को कि अभी भी इस पे? नहीं, हो गया है। हो गया तो किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है ग्रामीणों? बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। अब जिससे गांव के लोग थे पहले खुले में जाते थे, उसके बाद जो है पानी में, बारिश में बच्चों को, महिलाओं को, इन लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा है। ये सरकार की योजना बहुत अच्छी है। शौचालय सार्वजनिक बना है, इसके लिए क्या आप लोग उपयोग कर रही है कभी? ये बंद नहीं होता।
पूरा पहले कैसे आप लोग परेशानी रहा है? कहाँ जाती थी पहले? अरे अगिया बगिया खेते बाड़ी सब जात रहे, बहुत परेशानी रहा, अब रात बिरात दिक्कत रहा, अब जो ना है सब जाए लागे सब। अब सुविधा है? हाँ सुविधा है। तो ये सरकार की योजना थी, इसके लिए सरकार को आप क्या कहेंगे? हरदोई के बेलग्राम तहसील में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और नेता सदन विधायक की आराधना मिश्रा पर बीजेपी नेता संगम लाल गुप्ता सांसद और उनके अनुयायियों की तरफ से लिखाए गए मुकदमे को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया। बता दें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि देवेश फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, सरकारी आयोजन होने की वजह से सरकारी वीडियो भी बनाए गए थे, इन वीडियो में को देखने पर ये साफ रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी और फर्जी साबित हो रही है। इस दौरान कांग्रेस विधानसभा संयोजक लाला राम शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो फर्जी हैं और इस दौरान प्रेम कुमार अग्निहोत्री एडवोकेट डी के द्विवेदी एडवोकेट अखिलेश चंद्र पांडे विजेंद्र कुमार प्रजापति सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पूर्व सांसद और नेता सदन आराधना मिश्रा पर भाजपाइयों ने झूठे और फर्जी केस कायम करवा दिए जो कि गलत है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया। जब सत्ता मिलती है तो लोग दूसरों को खुश करने के लिए अक्सर अपनी गरिमा भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है गोंडा में, जब नव निर्वाचित राज्य मंत्री बनने के बाद पलटूराम बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के पैरों में गिर पड़े। आपको बता दें कि पलटूराम बलरामपुर के सदा विधायक थे, जिसके बाद इनको मंत्री पद की शपथ दिलाकर यूपी कैबिनेट में शामिल किया गया था। सीएम योगी की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अब ये जनसेवा करने का अवसर मिलने की खुशी है या सत्ता मिलने की खुशी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए भले ही लाख प्रयास कर रही हो, मगर कुछ भ्रष्ट और रिश्वतखोर कर्मचारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन और ईपीएफ बनाने के नाम पर तीन कर्मचारियों की तरफ से रिश्वत लेने का वीडियो शासन को भेजा गया है। हालांकि पीड़ित कर्मचारी ने रिश्वतखोर कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद कर लिया है। मामले की शिकायत स्वास्थ्य निदेशक से की तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में बुलंदशहर के सीएमओ ने दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जबकि अपने ही कार्यालय में सेवारत अकाउंटेंट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र भेजने का दावा भी किया है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद अपने ही पेंशन और ईपीएफ के लिए काट रहा था और चक्का बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले सत्येंद्र बुलंदशहर के ही स्वास्थ्य विभाग में सेवारत थे। सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पेंशन और ईपीएफ बनवाने के लिए अपने ही दफ्तर के चक्कर काटने को सिर्फ इसीलिए मजबूर हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ बाबू को खुश नहीं किया था, लिहाजा उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सत्येंद्र ने बताया कि अपने काम रुकते देख मजबूर होकर रिश्वत का सहारा लेना पड़ा उन्हें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।